अध्याय एक देख रहे हैं, विकास। विकास के सवाल और जवाब देखेंगे। अर्थव्यवस्था का प्रथम चैप्टर है ये। इसमें प्रश्न अभ्यास आपको संक्षेप में लिखना है। और पहले तो ये आपके MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुवैकल्पिक सवाल है। सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है सामान्यतः? तो इसमें आप प्रति व्यक्ति आय ले सकते हैं, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, तो ये उपरोक्त सभी उत्तर आप ले सकते हैं। ये वाला निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो उत्तर क्या होगा इसका? श्रीलंका। मान लीजिए कि एक देश में चार परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर तीन परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 रुपए है तो चौथे परिवार की आय क्या है? फिर से समझिए कि चार परिवार है, प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है और अगर तीन की इतनी है तो बाकी की कितनी हो, मतलब जो चौथा आदमी है उसकी क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए क्या करने वाले हैं हम? 6,000 इसका उत्तर है। और 6,000 उत्तर आएगा कैसे इसको देखिए। 4,000, 7,000, 3,000 इनको जोड़ दीजिए। 4,000 और 7,000 और 3,000 इसको जोड़िए और ये मान लीजिए कि जो चौथे का मान है वो x है और इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 4 से तो ये 5,000 आना चाहिए। तो 4,000, 7,000 और ये 3,000 ये मिलके होते हैं 14,000 और ये हुआ 5,000 × 4। कितना हुआ? 5,000 × 4 हो गया 20,000। तो एक्स कितना हो जाएगा? 20,000 में से आप 14,000 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6,000। यही है इसका उत्तर। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई है या कोई सीमाएं है तो बताइए, अगर है तो सीमाएं बताइए। तो विश्व बैंक अलग अलग वर्ग जो है उनका वर्गीकरण करने के लिए जो देश की आय है उसको प्रमुख मापदंड मानता है। जिन देशों की आय अधिक है या ज्यादा है उन्हें एडवांस्ड या फिर डेवलप्ड कंट्री, अधिक विकसित समझा जाता है और जिनकी कम आय है उनको माना जाता है कि यहाँ पर इंसानों की जो जरूरत है उनमें थोड़ी सी कम, उसकी मात्रा थोड़ी कम उपलब्ध है और जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वो अगर अच्छे आय वाले देश हैं तो वहाँ पर वो, क्योंकि उनके पास आय अच्छी है तो वो चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छे आय के जरिए पा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा आय वाले जो लोग हैं या ज़्यादा आय वाले जो देश है इनके वर्गों का वर्गीकरण करने का ये प्रमुख मापदंड माना जाता है। आय, आय मतलब इनकम। विश्व बैंक की जो विश्व रिपोर्ट है 2006 इसमें देशों का वर्गीकरण करने के लिए इसी मापदंड का प्रयोग किया गया है, देश की आय। वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,067 प्रतिवर्ष से यदि अधिक है, अगर मैं 2011 का आंकड़ा बताऊं आपको तो ये था 8.6 लाख रुपए, 8.6 ये पर एनम है प्रतिवर्ष। और समृद्ध देश जो है, जो समृद्ध देश के बारे में बात कर रहा हूँ, ये 8.6 लाख। और जो देश थोड़े से कमतर है जैसे आपने कहा कि $10,067 और जिनकी 825 है, तो जिनकी 10,067 है ये 2004 का आंकड़ा है, 2011 का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, वो 8.6 लाख है। इसी तरीके से जिनकी $825 ये आंकड़ा है 2004 का, अगर मैं 2011 का आंकड़ा बताऊं इसका, इसी विश्व बैंक रिपोर्ट का, तो तकरीबन आपका ये 70,000 रुपये आता है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय पर साल की, पूरे साल की 70,000 है, अगर इससे कम है, मतलब इस लेवल पे है, तो उसे निम्न आय का देश कहा जाता है, जहां पर आय कम है। अब भारत ये जो निम्न आय के देश है उस वर्ग में आता है, क्योंकि वैसे तो इस समय 2004 में वो निम्न क्या कहें आय की श्रेणी में आता था, क्योंकि 2004 में केवल $620 प्रतिवर्ष हमारे प्रति व्यक्ति आय थी,
लेकिन 2011 का आंकड़ा जो है वो कुछ अलग कहता है। अब हम इसमें भी नहीं आते और इसमें भी नहीं आते, क्योंकि करीबन 90,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई थी 2011 के आंकड़े में। तो ये किताब में जो दिया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, और जो दूसरा उसका वर्जन है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सीमाएं क्या है इस मापदंड की, कि विभिन्न देशों का जो वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसको अच्छा मापदंड नहीं माना जाता, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग जनसंख्या होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि औसत व्यक्ति का क्या कमा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, अब 2 की आय जो है वो मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये है, और तीसरे की आय जो है वो मान लीजिए 1,00,000 रुपये है, तो इसे आप बता नहीं सकते ना। ऐसे ही अगर एक देश है जिसमें सबकी आय जो है वो 50,000 है, 50,000 है, तीसरे की भी मान लीजिए 50,000 है, तो ये अलग आंकड़ा पेश करेगा कि हाँ यहाँ पर समृद्ध लोग हैं, समृद्ध देश है, सबकी इक्वल आय है। लेकिन अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमको लगेगा कि अरे ये तो विकसित देश विकसित में आ गया, क्योंकि 1,00,000 किसी की हो गई और 1,00,000 में आप ये दोनों जोड़ दीजिए। लेकिन 2 लोग तो यहाँ पर 100-100 रुपये ही कमा रहे हैं, या 1,000-1,000 रुपये ही कमा रहे हैं ना। तो औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है इसका मापदंड इस मापदंड से पता नहीं चल पाएगा। इससे हमें विभिन्न देशों के लोगों की परिस्थितियों का पता नहीं चल पाता है, इसीलिए राष्ट्रीय आय वर्गीकरण का अच्छा मापदंड नहीं है। विकास मापने का UNDP, इसका मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो विश्व बैंक का मापदंड केवल आय या इनकम पे आधारित है। अब इसकी सीमाएं हमने देख ली, कुछ इसकी सीमाएं हैं। तो आय के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मापदंड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो आय के अतिरिक्त जो मापदंड है जिनका जिनका जरूरी है लाना किसी भी इस कंपैरिजन में, कि मनुष्य केवल ये नहीं चाहता कि उसकी उसकी इनकम अच्छी हो, उसकी आय बेहतर हो, बल्कि वो ये भी सोचता है कि उसको सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले, उसको लोगों का सम्मान मिले, इज्जत मिले, और बराबरी यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट, क्रीड या किसी भी बेसिस पे बराबरी का व्यवहार वो पाना चाहता है, और सबसे बड़ी बात है आज़ादी यानी फ्रीडम। तो ये जो है ये नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, यानी कि पैसा तो ठीक है, पैसे से तो चीज़ें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो एक इंसानी रूप में जिसमें इमोशंस, फीलिंग सब होते हैं, वो ज़रूरी हो जाती है। तो UNDP ने जो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें विकास के लिए कुछ मापदंड अपनाए गए थे, वो है सबसे पहला लोगों का स्वास्थ्य, फिर शैक्षिक स्तर, फिर प्रति व्यक्ति आय। तो लोगों का जो स्वास्थ्य है मानव के विकास का प्रमुख मापदंड इनके अलावा है स्वास्थ्य और दीर्घायु। स्वास्थ्य मतलब उसका शरीर सही रहे, दीर्घायु मतलब कितने समय तक वो जीता है। तो विभिन्न देशों में या कहें अलग अलग देशों के लोगों के जीवन प्रत्याशा, जितना वो जीने वाले हैं, जितनी अधिक होगी, जितना वो पैदा होकर जैसे मान लीजिए 60-70 साल जीने वाले हैं, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा जहाँ पर लोग ज़्यादा साल तक जी रहे हैं। शैक्षिक स्तर मानव विकास का ये दूसरा प्रमुख मापदंड है, शैक्षिक स्तर, एजुकेशन लेवल। किसी देश में जो साक्षरता है उसकी दर कितनी है, कितनी ज़्यादा है, जितनी अच्छी होगी उतना उस देश को विकसित माना जाएगा, और जितनी कम होगी उस देश को उतना ही कम विकसित या अल्प विकसित माना जाएगा। प्रति व्यक्ति आय, अब ये बात आ गई जो हमने अभी विश्व बैंक के बारे में भी बात की थी, तो मानव विकास का जो तीसरा मापदंड है वो प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो जिस देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो अच्छी खासी होगी, अधिक होगी, तो ये माना जाएगा कि वहाँ के लोगों का जीवन का स्तर अच्छा है, यानी अच्छे जीवन स्तर की पहचान है। और जिन देशों में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों के जीवन का स्तर भी अच्छा नहीं होगा, जहां पर लोगों के पास पैसा कम है या वो कमा कम रहे, तो ऐसे देश को विकसित नहीं माना जा सकता। तो कई अध्ययन हुए उसके बाद UNDP ने विश्व के 173 देशों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया जो मैंने अभी आधार बताए, और 53 देशों में को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, और 84 देश ऐसे थे जो मध्यम मानव विकास की श्रेणी में, और 26 देश ऐसे थे जहां पर मानव विकास की श्रेणी निम्नतर है। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं और इनके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हैं? विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। औसत मतलब होता है एवरेज, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है एवरेज। इसमें क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो औसत का प्रयोग किसी भी विषय या क्षेत्र में अनुमान, स्टैटिस्टिक्स में इसका उपयोग होता है।
इसके विभिन्न स्तरों पर पता लगाने के लिए, अनुमान पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी देश में सभी लोग अलग अलग आय प्राप्त कर रहे हैं, किंतु देश के विकास दर को जानने के लिए अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो औसत के माध्यम से निकाली जा सकती है। इससे हम एक देश के विकास के स्तर को भांप सकते हैं, उसका पता चल सकता है। किंतु औसत का प्रयोग करने में कुछ समस्याएं हैं, एवरेज करने में कुछ समस्याएं हैं। जैसे औसत से किसी भी चीज का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कुछ असमताएं हैं, कुछ डिस्पैरिटीज हैं इसमें। जैसे किसी देश में रहने वाले अगर चार परिवार हैं, जिसमें तीन परिवार, जैसे एक दो तीन चार, चार परिवार हैं, एक 500 कमाता है, दूसरा आदमी 500 कमाता है, तीसरा 500 कमाता है, चौथा 48,000 कमाता है, कुल मिला के कितना होगा? ये 50,000 हो गया। इसको चार से भाग दे दीजिए, ये एवरेज निकलेगा। इन सबको जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया चार से, तो आ गया 12,500। तो इससे ये पता लग रहा है कि प्रति व्यक्ति, हर एक आदमी, एक दो तीन चार लोग हैं, चार लोग हैं, इसमें हर आदमी जो है 12,500 कमा रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, तीन लोग तो 500 ही कमा रहे हैं, बहुत कम, जबकि एक आदमी जो है 48,000 कमा रहा है, बहुत ज्यादा। अगर हम दूसरे देश की बात करें, ये पहला देश हो गया, दूसरा देश हो गया, दूसरे देश की बात करें तो यहां पर मान लीजिए ये 9,000 कमाता है पहला आदमी, दूसरा आदमी कमाता है 11,000, और आप कहें तीसरा आदमी कमाता है फिर 9,000, फिर ये आदमी कमाता है फिर 11,000। तो आप देखें इसमें ये जो आंकड़ा, इसको जोड़ेंगे तो ये 40,000 आएगा, उसको चार से डिवाइड कर दीजिए तो 10,000 करीब आ जाएगा, 40,000 है तो 10,000 आ जाएगा। तो अब आप देखें कि ये चारों लोगों का अंदाजे से देखा जाए तो 10,000 के करीब ही ये कमा रहे हैं, चाहे 11,000 हो या 9,000 हो, 10,000 के करीब कमा रहे हैं, तो ये तो सही है। लेकिन यहां पर हो गई डिस्पैरिटी। तो दोनों देशों की जो औसत आय है वो तो आपको एक तरीके से समान ही दिख रही है, लेकिन जो आर्थिक असमानता है यहां तो बहुत ज्यादा असमानता है, वो बहुत ज्यादा है। और दूसरे देश में यहां पर समान स्तर के लोग हैं, मतलब 10-11,000 वो करीब कमाते हैं। तो इस तरीके से जो औसत की तुलना है, या कहें औसत तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन जो असमता है इसमें, डिस्पैरिटीज छुपी है, वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि ये वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लोगों की आय में, ये पता नहीं चल पाता। क्योंकि एक आंकड़ा मिल जाता है उससे पता, इससे दिमाग में ऐसा पता चलता है कि अरे यार यहाँ तो बहुत अच्छे लोग कमा रहे हैं, जबकि देखा जाए अंदर तो एक आदमी कमा रहा है, बाकी तीन जो है वो गरीब है। प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, इसकी या इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है? आपको चर्चा करनी। तो यहां पर हम आंकड़ों से देखेंगे कि यदि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के विषय में ही नहीं सोचते, इसके लिए जरूर सोचते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छी आय हो, लेकिन वो चाहते हैं कि सुरक्षा हो, आदर मिले उनको, बराबरी हो, बराबरी का व्यापार वो व्यवहार चाहते हैं, ताकि आजादी भी मिले उनको, फ्रीडम मिले। तो ये सब लक्ष्य भी है जो उनके लिए जरूरी है। तो इसी प्रकार से हम किसी देश के विकास के बारे में जब सोचते हैं तो औसत आय के अलावा और सारे भी लक्षण हमें दिखते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये राज्य है कुछ, पंजाब केरल बिहार, अब पंजाब के हिसाब से देखा जाए तो 26,000 ये प्रति व्यक्ति आय है, अगर एक आदमी पंजाब का उठाया जाए तो 26,000 कमाता है। यहीं पे आप केरल पे आएंगे तो ये 22,800 कम कमाता है थोड़ा पंजाब से, बिहार में तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें, शिशु मृत्यु दर की बात करें, साक्षरता को देखें, या फिर ये देखें कि 1 से 5 का निवल उपस्थिति अनुपात क्या है कक्षा 1 से 8, इसका मतलब ये होता है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक बच्चे कितने आते हैं, 100 में से कितने बच्चे क्लास में आते हैं। तो पंजाब में शिशु मृत्यु दर 49 है, 2003 का आंकड़ा है, 2011 का आंकड़ा चेंज हो चुका है, तो इसमें 49 है और 11 जो है वो इनका, मतलब केरल का 11 है, तो 5 गुना अंतर है। इसका मतलब 1,000 बच्चों में केरल में केवल 11 ही की मृत्यु होती है एक साल तक होने तक, और यहां पर इनकी 50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बिहार में तो आंकड़ा और ज्यादा है। साक्षरता दर देखें तो केरल की साक्षरता 91% है, बल्कि ये अब तो 99% साक्षर, लिटरेट या एजुकेटेड केरल एक राज्य बन गया है, और पंजाब में थोड़ा कम है, मतलब इसमें बिहार में तो काफी कम है, और यहां पर भी ये इनसे आगे है। तो अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखें तो यहां पर तो केरल काफी पीछे दिख रहा है पंजाब से, लेकिन बाकी चीजों को देखेंगे तो केरल हर मामले में पंजाब से आगे निकल रहा है। तो इस तालिका को जो मैंने बताया, मैं इसको दोबारा से आपको बताता हूं। किसी वर्ष में पैदा हुए जो शिशु मृत्यु दर होता है, अगर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 बच्चों में
1000 बच्चों में कितनों का देहांत हो जाता है, कितने एक साल तक नहीं जी पाते, वो लोग, वो उनकी संख्या होती है शिशु मृत्यु दर। इसी तरीके से साक्षरता दर होता है, 7 वर्ष से या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी 7 के ऊपर जितने भी लोग हैं, बच्चे ही होते हैं वैसे तो ये, लेकिन 7 वर्ष से ऊपर अगर कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी कोई भी लैंग्वेज पढ़ और लिख सकता है, कोई भी भाषा हो सकती है, उसे हम साक्षर कहते हैं। और निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, 6 से 10 वर्ष की जो आयु है उसमें स्कूल जो बच्चे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, मतलब 100 में मान लीजिए 80 आ रहे हैं तो निवल उपस्थिति अनुपात 80 होगा। तो ये जो आंकड़े हमने देखे, इसमें देखिए क्या हमने डिस्कस किया, मैं दोबारा इसको बताने की कोशिश करता हूं कि पंजाब में जो प्रति व्यक्ति आए हैं वो केरल बिहार से ज्यादा है, 26,000 है, यहां पर केवल 22,800 और बिहार में और भी कम है। लेकिन आय को ही विकास का मापदंड नहीं माना जा सकता, क्योंकि तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक है, बिहार सबसे कम है। लेकिन अगर हम इस आंकड़े को देखें, ये दूसरे जो तालिका है उसके आंकड़े को देखें, तो शिशु मृत्यु दर पंजाब में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर हम केरल में देखें तो ये बहुत कम है। केरल में साक्षरता दर, अब ये मैंने जैसे बताया 99 पहुंच चुकी है, वो सबसे ज्यादा है, बिहार में सबसे कम है। अगर प्रति व्यक्ति आय को देखें तो पंजाब ऊपर निकल जाएगा, बाकी अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता इन सब को देखें तो केरल पंजाब से बहुत बेहतर है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है? तो भारत के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहे जो ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी की जो सोर्सेज हैं, उसमें हम कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ऊर्जा के और भी स्रोत हैं। तो कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में और उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जो वाष्प इंजन है, जो स्टीम इंजन जिसे हम कहते हैं, इसमें कोयले का प्रयोग होता है। रेलों और बहुत सारे उद्यम हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इसका उपयोग होता है। खनिज तेल, ये सड़क परिवहन में, यानी जहाजों, वायुयानों, इनमें प्रयोग किया जाता है। तो जब तेल को हम परिष्कृत करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसके बाद डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सब इससे निकलता है। खनिज तेल का मतलब क्रूड ऑयल, और कोयले का मतलब कोल अंग्रेजी में, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस का भी ये शक्ति प्रदान करने का या फिर ऊर्जा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप है इसका, और गैस के पाइपों द्वारा इसको दूर दूर के स्थान में पहुंचाया जाता है। और बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं जो इस पे चल रही हैं, और कई जैसे देश के जो कई पार्ट है, जैसे दिल्ली की बात कर लें, वहां पर CNG चलती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो प्राकृतिक गैस का ही वो रूप है जिससे जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है। जल विद्युत की बात करता हूं तो ये ऊर्जा का नवीकरणीय, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो जितने भी संसाधन है उनमें सबसे सस्ता है इसका प्रयोग। जो जल विद्युत आता है, करीबन 22% जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 22%, जैसे 100% हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें 22% जल विद्युत से आती है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों और औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। और भी स्रोत हैं, कई कुछ नवीकरणीय है, कुछ अनवीकरणीय है, कुछ रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है। तो ऊर्जा के कुछ ऐसे भी स्रोत है जिनका प्रयोग अभी कुछ समय ही पूर्व किया हमने जाने लगा है, हमने अभी भी करना शुरू किया है। ये सभी स्रोत जो है वो नवीकरणीय है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय, जियोथर्मल ऊर्जा। तो ऊर्जा के जो परंपरागत साधन है जिनकी मैंने बात की, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये लंबे समय से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, और ये अनवीकरणीय है, यानी कि एक बार हमने इनका उपयोग कर दिया तो इनको लाखों साल लगते हैं बनने में। तो एक बार हमने अगर इनको समाप्त कर दिया तो इसका दोबारा बनना बड़ा मुश्किल है। आने वाले 50 सालों में ये सब जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं अनवीकरणीय, वो सब खत्म हो जाएंगे 50 साल में। तो हमें इनको बचाना है, एक तो इनका सस्टेनेबल यूज करना है, दूसरा ये है कि इसका जो नवीकरणीय संसाधन है उनको हमको खोजना है और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, और वहां से हमको ऊर्जा का कहें कि ऊर्जा का उत्पादन करना है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो धारणीय का मतलब ये होता है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो हम, इसका पहले मैं बता देता हूं आपको यहां पर, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। हम आज सब कुछ ना खा जाएं, हम आगे वाले लोगों के लिए भी बचाएं, जो हमारे बच्चे हैं उनके बच्चे हैं। तो वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन बहुत जल्दी शीघ्र समाप्त हो जाएंगे,
और आने वाली जो पीढ़ी है वो नहीं नहीं उनको मिलेगा कुछ भी। तो यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है, यानी विकास को सतत यानी कि सस्टेनेबल बनाना है, इसका मतलब ये है कि निरंतर हमको ये संसाधनों का एक जुडिशियस समझदारी से इसका उपयोग करना होगा और हमारे आगे भावी पीढ़ी जो आ रही है उसके लिए ये चीज़ बची रहे। जैसे मान लीजिए आप हैं, अब आपके पास मान लीजिए कुछ 50 है, आपने इसको क्या किया, कुल मिला के 50 है पूरे विश्व में, आपने इसका 30 का उपयोग कर लिया। अब अगला आपका जो बच्चा आया उसके पास 30 बचे, 30 ने इन्होंने कर दिया मान लीजिए 29, तो जो ये आए इनके पास एक बचा, तो एक और 50 आप देखिए किस तरीके से होगा, और जो इनके बाद आएंगे उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करेंगे, बगैर ऊर्जा के तो कुछ नहीं होता। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी इसी से आती है, आपकी गाड़ी भी इसी से चलती है, ऊर्जा से ही चलती है। तो अगर आपने इसको सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, जैसे ये 50 है तो आप 45 ये 5 या 10 का यूज़ कर लीजिए, 40 रहने दीजिए, फिर ये 10 का यूज़ कर लेंगे इनको 30 मिलेगा इस तरीके से, फिर ये 25 बचा देंगे 5 का यूज़ कर लेंगे, फिर इस तरीके से थोड़ा सा आगे की कई पीढ़ी तक ये चल जाएगा। लेकिन अगर आपने यहीं में ख़त्म कर दिया, इसे ही हम कहते हैं धारणीयता। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच ग्रीड को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है, चर्चा कीजिए। अब ये जो बात कही थी, ये कही थी गांधी जी कि लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए हमारे धरा में सब कुछ है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बतानी बात रह गई, वो ये है कि इसमें एक लाइन जरूर आपको बतानी है कि हमने जो अपना आज का जो प्रेजेंट है, यानी आज जो हमारे पास है, वो हमने अपने लोगों से, पुराने लोगों से नहीं लिया है, हमने भूतकाल से या फिर अपने लोगों से नहीं लिया है, हमने जो आगे वाली पीढ़ी है उनसे उधार लिया हुआ है। यानी कि हमने जो लिया है वो इन लोगों से नहीं लिया है, हमने इनका उधार अपने पास रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसी को धारणीयता कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इसका देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के साधन हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के लिए करता है। ये संसाधन या कहें ये साधन संसाधन बन जाते हैं जब हम उनका उपयोग करते हैं, वरना वो साधन ही रहते हैं। जब हम उनका उपयोग करते हैं उनको चेंज करके या किसी भी रूप में, वो संसाधन संसाधन बन जाते हैं। तो ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यदि मनुष्य बुद्धिमत्ता से इन संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा तो वो सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मतलब बुद्धिमत्ता से अगर इनका प्रयोग करेगा तो जरूरत पूरी कर सकता है, नहीं करेगा तो जरूरत पूरी नहीं कर सकता है। तो यदि संसाधनों का दुरुपयोग ना किया जाए, इनको मिसयूज ना किया जाए, तो इनका प्रयोग या इनका ये कहें कि इनका प्रयोग करके विकास की प्रक्रिया को हम निरंतर जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि इन संसाधनों का बहुत तेजी से प्रयोग किया जाए, निजी लाभ के लिए किया जाए, सेल्फिश मोटिव से किया जाए या ग्रीड के लिए किया जाए, तो व्यक्ति की लाभ उस समय के लिए तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आगे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। यदि इन संसाधनों का हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं या अंधाधुंध प्रयोग इसका किया गया तो ये आखिरकार समाप्त हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो अनिवीकरणीय संसाधन तो सीमित ही है, ये तो अर्थ में लिमिटेड है, पता है हमें कितने हैं, एक बार वो प्रयोग करने पर खत्म हो जाते हैं और इनको बनने में लाखों लाखों साल लगते हैं। तो उनका प्रयोग हमको सोच समझ कर करना पड़ेगा। तो इनको प्रयोग करते समय हमें जो आगे आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि हम अपने बच्चे करते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आज के लिए जी रहे हैं, आगे के लिए कौन सोचेगा। तो इस प्रकार उपरोक्त जो कथन है जो गांधी जी ने कहा था, उससे ये निकलता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग केवल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ना किया जाए, वरना कि किसी निजी स्वार्थ के लिए किया जाए, किसी निजी स्वार्थ सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए किया जाए, क्योंकि संसाधन अगर समाप्त हो जाए तो विकास की प्रक्रिया थम जाएगी, रुक जाएगी। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये बिल्कुल वही उत्तर है जो पहले वाला है। अब ध्यान रखिएगा कि आज की जो पीढ़ी है वो अगली पीढ़ी का ध्यान रखे, ये अगली पीढ़ी का ध्यान रखे, ताकि सबको ऊर्जा के स्रोत मिले, सबको इस धरा पे वो सारी चीजें मिले जो अवेलेबल है। ऐसे नहीं कि एक ही आदमी या एक ही पीढ़ी इसका इस्तेमाल करके खत्म कर दे। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला तो गांधी जी का कथन था, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो। तो आप देखिए, इसमें
आपके आसपास जो है उसका एग्जाम्पल लिखना है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे करना है, जैसे ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना, अपने हिसाब से, क्योंकि आपके आसपास जो दिख रहा है। तो कूड़े कचरे और जो अवांछित गंदगी है उससे जल वायु भूमि इसका दूषित होना, इसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, पॉल्यूशन। पर्यावरण में गिरावट जो हो रही है उसमें बहुत से उदाहरण है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। जल प्रदूषण नदियां, झील और समुद्र, इसमें जब हम कूड़ा कचरा या औद्योगिक जो वेस्ट है या अपशिष्ट है वो डालते हैं तो जल प्रदूषित होता है। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीव जो है वो मर जाते हैं या उनमें तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। जहाजों से जो रिसने वाला तेल है वो समुद्री जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। वायु प्रदूषण की बात करें तो हम देखिए सांस लिए बगैर शायद 2 या 3 मिनट से ज्यादा ना जी पाए। पानी के बगैर हम काफी दिन रह सकते हैं, खाने के बगैर भी काफी दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर नहीं रह सकते। हवा तो हमें, सांस तो लेनी ही पड़ेगी। तो कारखाने से जो धुआं निकल रहा है, मोटर वाहनों से जो धुआं निकल रहा है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मानव स्वास्थ्य और हमारे लिए नहीं, जो फ्लोरा एंड फौना है, वन्य जीवन के दोनों या जितने भी जीव हैं सबके लिए हानिकारक है। भूमि प्रदूषण की अगर मैं बात करूं तो भूमि पर कारखानों के द्वारा, घरों और बाकी जो स्रोत हैं वहां से जो कूड़ा कचरा आता है उससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, गंदगी की है या बीमारियों की है। तो कृषि क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जो उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल करते हैं, उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और ये उर्वरक भूमि को बहुत प्रदूषित करते हैं। तो हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जब एक बहुत ज्यादा हो जाती है तो संसाधनों का उपयोग होता है, फिर उसका दुरुपयोग होता है। जिस मात्रा में हम पेड़ों को काट रहे हैं इससे पर्यावरण में बहुत तेजी से गिरावट होती है। तो इसके हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप आसपास देख सकते हैं। तालिका में दिए गए ये प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा सबसे नीचे। तो एक मद मतलब ये इन सब के बारे में बताना है। तो HDI का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। तो इस अगर हम तालिका में देखें तो जो 177 ये जो देश हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जन्म के समय जो संभावित आयु है, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, उसका मतलब होता है कि भाई कितने साल तक आदमी जीवित रहेगा। तो तीनों स्तरों के लिए अगर सकल नामांकन अनुपात के अर्थ जो ये सकल नामांकन अनुपात है उसमें कौन, वो उसका मतलब क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, यानी कि शुरुआती स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उसके बाद जो आगे के जो एजुकेशन है उसके लिए कितने लोग नामांकन करें, कितने बच्चे नामांकन कर रहे हैं। ऐसी प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें तो उसकी गणना सभी देशों की मिला के की जाती है, डॉलर में की जाती है, क्योंकि डॉलर एक सर्वमान्य करेंसी है, ताकि उसकी तुलना की जा सके। इस तरीके से की जाती है कि डॉलर किसी भी देश के, क्योंकि डॉलर का रेट होता है 70, अगर हिंदुस्तान का देखा जाए तो $1 का मतलब होता है 70 रुपये, तो बराबर करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि उसी मात्रा में वस्तुएं खरीदी और बेची जा सके, उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ये आंकड़ा निकल के आता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर जो उत्तर है उसमें कि ये जो मापदंड है उसमें अलग अलग श्रेणियों में इसको बटा गया है। तो इसमें क्या क्या है, प्रति व्यक्ति आय है, आपका संभावित आयु है, साक्षरता है, सकल नामांकन अनुपात है, साथ में HDI। तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आप देखें इन सब में श्रीलंका सबसे ऊपर है, म्यांमार सबसे नीचे है 1027, बर्मा जिसे हम कहते हैं। जन्म के समय संभावित आयु में सबसे ज्यादा नंबर किसका दिख रहा है आपको, वही आपको करना है। श्रीलंका सबसे ऊपर है और सबसे नीचे क्या है, फिर से आप आ जाइए म्यांमार 61। फिर साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा है, अगेन फिर श्रीलंका, सबसे ऊपर श्रीलंका और सबसे नीचे है बांग्लादेश, यहाँ पर 41, इसको हम बांग्लादेश कर देते हैं, ये यहाँ बांग्लादेश, ये फिर बांग्लादेश है। इसके बाद आइए जो एजुकेशन का स्तर है, या कहें तीन स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात, कितने लोग कितने देर तक पढ़ाई करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर फिर से आप देखें तो श्रीलंका आ रहा है और सबसे नीचे पाकिस्तान का नाम है 35, नंबर के हिसाब से बता रहा हूं। फिर विश्व में जो मानव विकास सूचकांक है HDI, इसमें सबसे ऊपर कौन सा है, श्रीलंका का स्थान जो है, जो सबसे कम होगा वो सबसे ऊपर होगा, है ना, जो लिस्ट है 1 से लेकर 177 में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे बेहतर होगा, तो 93। और सबसे अगर आप
पीछे चले जाएं तो 138वां सबसे बड़ा नंबर है ये नेपाल का है। ये जो तालिका दी गई है इसमें भारत में अल्प पोषित वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है, तो आपको इस तालिका का अध्ययन करके कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, अब आप देखें केरल में 22% और महिला जो है 19%, इसको अब सभी राज्यों में कुल मिला के 37% हो जाता है और महिलाओं का 36% हो जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो केरल और यहाँ केरल और मध्य प्रदेश इसके लोगों के पोषण स्तरों की आपको तुलना करनी है। तो जो आंकड़े आप देख रहे हैं, अगर ये मान लीजिए आंकड़ा बदल भी जाता है तो उत्तर सेम रहेगा, यानी कि आपको तरीका सेम बता रहा हूं मैं, उसी तरीके से रहेगा। तो ये जो आंकड़े हैं इसमें केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तर को दिखाया गया है। इसके अनुसार केरल में 22% पुरुष और 19% महिलाएं ये अल्प पोषित है, यानी कि इनको कम खाने को मिलता है या फिर ये कम न्यूट्रिशन ले रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें 43% पुरुष और 42% महिलाएं जो वो अल्प पोषित है, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन या खाना नहीं मिल पाता। तो इन दोनों की अगर हम कंपेरिजन करें तो मध्य प्रदेश की हालत खराब है, केरल की उतनी खराब नहीं। फिर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्पपोषित क्यों हैं? यद्यपि क्योंकि 40% ये अमाउंट आ रहा है, ऑलमोस्ट 40% तक आप जा रहे हैं। यद्यपि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्य पदार्थ हैं, घर देश में खाने की चीज़ों में कमी नहीं है, सब चीज़ें हम इतनी भी हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो देश में पर्याप्त अनाज होने के बावजूद भी 40% लोग आप देख पा रहे हैं करीबन अल्पपोषित है, क्योंकि अभी भी लगभग 40% लोग गरीबी रेखा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे है। ये व्यक्ति इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने लिए दो वक्त का खाना ये इंतजाम कर सके, इनको प्राप्त कर सके। इसलिए देश में अनाज तो है लेकिन वो खरीद नहीं पाते और वो न्यूट्रिशन से महरूम रह जाते हैं या अल्पपोषित रह जाते हैं। तो ये सवाल जवाब हुए इस टॉपिक के, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। ध्यान रखिएगा कि ये जो आंकड़े हैं ये बदल सकते हैं लेकिन जवाब देने का तरीका यही रहेगा।